आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ सादा पे के एटीएम कार्ड के बारे में। तो मुझे 4-5 मंथ हो चुके हैं इस कार्ड के पीछे पड़े हुए, तो ये फाइनली जो है स्टॉक में आ चुका है। और मैंने इसको परचेज किस तरह किया है या ऑर्डर किस तरह करना है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही एटीएम कार्ड जो है अवेलेबल हुए हैं तो मैंने फौरन जो है इसमें अप्लाई कर दिया है। अप्लाई किस तरह से करना है, आपने जो अपने अकाउंट में 1500 रुपया रखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे वर्चुअल कार्ड आपको नजर आ रहा होगा, इसके साथ आपका फिजिकल कार्ड है। फिजिकल कार्ड में यहाँ पे जब आपके पास ऑर्डर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे और उसमें आपने मास्टर कार्ड वाला जो है अवेलेबल हो चुका है, आपने उसको जो है ऑर्डर कर देना है। तो मैंने ऑर्डर किया था, यहाँ पर फीस जो थी 1260 रुपए थी और 240 जो है टैक्स लगा था और ये मुझे 1500 में तकरीबन पड़ गया था। तो ये मुझे रिसीव हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास एटीएम आ चुका है और इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है और इसको एक्टिवेट किस तरह से करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा एटीएम, तो यहाँ से ये देखो ये हमारा एटीएम आ गया और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये एटीएम कुछ इस तरह से नज़र आता है, यहाँ पे इसके अंदर एनएफसी भी है। अब इसको एक्टिव करने का तरीका ये है कि इसकी बैक साइड पे एक कोड है, वो कोड आपने जो है ऐप के अंदर आ जाना है और ऐप में अपने में कार्ड में आ जाता हूँ। कार्ड में यहाँ पे फिजिकल कार्ड और यहाँ पर जो है एक्टिवेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सेम एटीएम के पीछे इस तरह से आपको कोड नजर आएगा, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने वो कोड टाइप किया है तो उसके बाद हमारे पास हमारा जो है डेबिट कार्ड का पिन जो है क्रिएट करने को बोल रहे, तो हम इसका जो है पिन रख लेते हैं। उसके बाद कन्फर्म पिन कहने को बोल रहा है। करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो है कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। मैं इसको बैक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो है कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अगर आपका कार्ड गुम जाता है तो यहाँ पे आप फ्रीज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने जो है पासवर्ड चेंज करना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आप जो एटीएम कार्ड है वो ऑर्डर कर सकते हो और इस तरह से एक्टिव कर सकते हो। तो बाकी इस कार्ड के बारे में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स सुना है, क्योंकि इससे पहले जो है मैंने नया पे यूज़ किया था, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी कि वो जो है कार्ड बंद कर दिया था किसी वजह से और काफ़ी सारे लोगों के कार्ड बंद हो रहे थे, तो इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं आता। बाकी इसकी जो फीस भी है 1 टाइम है और इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं कटते, जिस तरह उसमें ट्रांजैक्शन फेल्ड होने पे चार्ज कटते थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।